दोस्तों, बिहार के इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है ये इच्छाधारी नागिन और अपने नाग का इंतजार कर रही है। दरअसल दोस्तों, ये घटना है बिहार के औखरिया गांव की, जहां गांव के पास जंगल में महादेव का पुराना मंदिर है, जहां एक नागिन सालों से हर रोज से अपने नाग के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने आती है। दोस्तों, इस नागिन से वहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि वहाँ के लोगों ने इस मंदिर में आना जाना ही बंद कर दिया है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर में भयानक नागिन रहती है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस मंदिर में एक गुफा है, उसी में नाग नागिन का जोड़ा 500 साल से रहता था। लोगों का मानना है कि वो नाग नागिन कोई साधारण नाग नागिन नहीं थे। 500 साल से जिंदा वो नाग नागिन इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा था। तकरीबन 30 साल पहले एक अजीब घटना घटी, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। वो नाग नागिन का जोड़ा आज से 30 साल पहले उस गुफा से निकलकर जंगल की ओर जा रहा था। कई लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। वो नाग नागिन एक दूसरे के साथ ऐसे जा रहे थे जैसे मानो एक दूसरे को सुरक्षित कर रहे हों। ऐसा दृश्य गांव वालों ने पहली बार देखा था। इतने में वो सड़क की ओर जाने लगे तो नाग पहले आगे चला गया। इतनी देर में एक ट्रक वाले ने उस नाग को बुरी तरह से कुचल दिया। ये दृश्य देख नागिन काफी तेजी से ट्रक का पीछा करने लगी, लेकिन वो ट्रक तेज रफ्तार से आगे निकल गया। इसके बाद नागिन नाग के पास आई और अपना फन जमीन पर पटक पटक कर मारने लगी, जिसकी वजह से वो नागिन भी वहीं मर गई। गांव वालों ने उस नाग नागिन के जोड़े को उसी शिव मंदिर के पास जमीन से 3-4 फुट अंदर दफन कर दिया। इसके बाद से वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहीं गायब हो जाती है। कहां जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में मंदिर के पुजारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल ये नागिन असलियत में जिंदा नहीं है, ये इनका छलावा है जो कि शिव महिमा की वजह से लोगों को दिख रहे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से प्रार्थना करके चली जाती है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में रह रही है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ये नागिन अपने नाग को यहाँ ढूंढने आती है। और तो और, सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि जिस ट्रक वाले ने उस नाग को मारा था, उस ट्रक का आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वो भी मर गया। ये एक संयोग था या फिर कोई चमत्कार, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन लोगों का कहना है कि अभी तक उस नागिन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन जब नागिन मंदिर में पेड़ के ऊपर लिपट कर सो रही होती है, तब भयंकर आवाज भी आती रहती है। इससे डर के मारे गांव के लोग रात के वक्त मंदिर की तरफ जाते तक नहीं है। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर रहे और आप आने वाली मुसीबतों से बचे रहें। दोस्तों, मिलेंगे आगे अगली वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।